फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले यहां पर कहा था, फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लग चुकी है। ये अहम बात जो पहले फर्स्ट इंडिया ने कही थी उस पर मुहर लगी है इस बजट में, वो हम आपको बता रहे हैं। जो अभ्यर्थियों को लेकर अहम बात कही थी फर्स्ट इंडिया ने, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है इस बजट में, वो शामिल है। हालांकि इसका जिक्र 5 जनवरी को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले यह खबर दी थी कि ऐसा हो सकता है, होना चाहिए, और इस खबर पर मुहर लगी है। राज्य सरकार युवाओं को इसकी सौगात दे सकती है, क्योंकि ये बात बार बार उठ रही थी कि युवाओं को इससे राहत मिलेगी। रोडवेज प्रशासन ने 11 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का खर्च संभावित बताया था अगर ऐसा किया जाता है तो। और ये 5 जनवरी को इस खबर को प्रमुखता से फर्स्ट इंडिया ने दिखाया, जिसमें आरपीएससी, यूपीएससी और आरएसएसबी की परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को ये सुविधा मिलेगी। ये उनके लिए जरूर राहत है, रोडवेज की बसों में अब ये निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ये बड़ी सौगात है जो अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री ने दी। और अहम बात यह कि फर्स्ट इंडिया ने इसे लेकर पहले ही जानकारी दी थी और फर्स्ट इंडिया की खबर पर ही ये मुहर लगी है। और